कि इसमें कितना नॉइज है। अगर दोनों बैरिंग बदलने की जरूरत पड़ती है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें कितना ज़्यादा आवाज़ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आवाज़ सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको फिक्स करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों बैरिंग क्या हुआ, शाफ्ट में ही फंसा रह गया। ठीक है, चलिए अब शाफ्ट से बैरिंग को निकालने के लिए आपको ये बैरिंग पुलर का इस्तेमाल करना होगा। सिंपली ऐसे लगाना है, आपको अगर बैरिंग पुलर का लिंक चाहिए तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं है, एक टूल्स आपके पास हो जाएगा जो कि आपको सेलिंग फैन में भी यही यूज होता है। ठीक है, सेलिंग फैन का जो मैं बैरिंग निकालता हूँ तो इसी के हेल्प से निकालता हूँ। देखिए इसके माध्यम से कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, ठीक है, बैरिंग में थोड़ा सा नॉइज जरूर है। अब मैं नया बैरिंग लगाऊंगा यहाँ पे। चलिए नया बैरिंग लगाने के लिए, ठीक है ये ठीक है, वाशर है नीचे, इसको रहने दें। अब देखिए कुछ दोस्त बोलते हैं आपने ग्रीसिंग नहीं किया, तो नए बैरिंग में ऑलरेडी ग्रीस होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रीसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी का आप जो है बैरिंग ले सकते हैं, बस अच्छे क्वालिटी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैरिंग चाहिए तो मैं बैरिंग का भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, बैरिंग का नंबर वही है 6202। ठीक है, 6202। ठीक है, चलिए इसको लगाने के लिए बस ऐसे आपको रखना है और हल्का सा बराबर से ठीक है किनारा पे हल्का हल्का आपको देखिए बिल्कुल अच्छे से ये लग चुका है। ठीक है, अब आपको वापस उसी तरह फिर से लगा देना है जैसे आपने इसको निकाला। ये कोई इधर भी रह जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, इधर लगा दीजिए या इधर, बस ये तीनों होल से पास होने चाहिए ताकि आपको फिर से स्क्रू टाइट करने में कोई दिक्कत ना हो। आप चाहें तो एक पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई मतलब कि मेटालिक जो पाइप होगा नली होगा उसका इस्तेमाल करके आप वहां से चोट कर सकते हैं ताकि ये बराबर बैठ जाए, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स का ऐसे जैसे मैंने किया करके आप कर सकते हैं। बाकी सभी नट को अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, इसको फिर वापस अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए फिर मैं अभी एक बार टेस्ट कर देख रहा हूँ आवाज़ वाले से कम हुआ कि नहीं। ठीक है, एक ही बैरिंग चेंज करने के बाद आवाज़ आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया, इतना से आपका काम आराम से चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बिल्कुल ख़त्म करना आवाज़, तो फिर आपको क्या करना होगा, मोटर खोल के बाहर निकालना होगा। उसके बाद दोनों बैरिंग जिस तरह इधर का चेंज हुआ उस तरह उधर का भी चेंज हो जाएगा, तो पूरा आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों साइड का बैरिंग चेंज करने का एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे देख के भी अपने समझ को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, डायना जो दिया हुआ है ब्लेड जो है उसको आप फिर से वापस इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इस पिन को आप यहाँ, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई कमी या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, और वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह जरूरी वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।